99% बीमारियां ठीक करेंगी यह आदत, इसके बारे में बात करूंगा। क्या है कि हमारे ब्रेन में काफी सारे रिदम्स चलते रहते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज हमारे ब्रेन में चालू रहती है, काफी सारे हॉर्मोन्स ब्रेन में है, जैसे कॉर्टिसोल हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन, सभी जो है ब्रेन के हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड है। ऐसे काफी सारे हार्मोन्स है, कम से कम ये जो हार्मोन्स और जो पैटर्न्स ब्रेन के चलते हैं ये रिदम में चलते रहते हैं। एक उसको रिदम है, एक तरीका है उसको चलने का 24 आवर्स में, ऊपर नीचे होने का, वो लेवल्स ऊपर नीचे होने का एक रिदम, एक तरीका है। और ये जो रिदम्स है, कॉर्टिसोल रिदम, एंडोर्फिन्स रिदम, डोपामिन रिदम, ग्रोथ हार्मोन रिदम, ऐसे जो रिदम्स है वो रिदम कंट्रोल होते हैं सर्कैडियन रिदम से। उसका मास्टर रिदम जो है वो सर्कैडियन रिदम है, और सर्कैडियन रिदम कम से कम 100 रिदम्स ऐसे कंट्रोल कर लेता है ब्रेन की। अब ये जो सर्कैडियन रिदम जो है ब्रेन का, वो सर्कैडियन रिदम वो तालमेल रखता है बायोलॉजिकल रिदम के साथ में। मतलब ब्रेन में सर्कैडियन रिदम है और उसका तालमेल चलता है बायोलॉजिकल रिदम, मतलब दिन है कि रात है। रात में वो रिदम्स स्लो चलते हैं और दिन में वो रिदम्स फास्ट चलते हैं। तो सर्कैडियन रिदम 100 रिदम्स को कंट्रोल करता है, मगर सर्कैडियन रिदम का तालमेल बायोलॉजिकल रिदम से होता है, और बायोलॉजिकल रिदम मतलब दिन है तो वो हिसाब से सर्कैडियन रिदम चलेगा, रात है तो वो हिसाब से सर्कैडियन रिदम चलेगा। तो आप समझ लो कि बायोलॉजिकल रिदम है दिन रात का जो रिदम है ना, कुछ समय के बाद में रात होती है, फिर दिन होता है, फिर रात होती है, फिर दिन होता है, चालू है रिदम ये। उसके साथ साथ ये सर्कैडियन रिदम हमारे ब्रेन के जो उसका तालमेल चालू है वो हिसाब से वो डांस करते रहते हैं, जो दिन और रात का जो चलता है उसके हिसाब से डांस होते रहता है अपने ब्रेन के रिदम्स। तो बायोलॉजिकल रिदम एक समुंदर है ऐसा समझ के चलो, और समुंदर की लहरें हैं, और सर्कैडियन रिदम एक नाव है। अब नाव समुंदर में जो है वो यदि वो लहरों के साथ साथ तालमेल में चलती है तो उसको नाव को आगे जाने में कोई तकलीफ होंगी नहीं, वो बराबर जाएंगी। नाव यदि लहरों के खिलाफ चलती है, अगेंस्ट में चलती है, तो डेफिनेटली फ्रिक्शन होगा। तो हमें क्या करना है कि हमें जो बायोलॉजिकल रिदम है वो हिसाब से चलना होगा, वो हिसाब से सर्कैडियन रिदम का तालमेल हमको जमाना पड़ेगा। और इसका मतलब क्या होता है कि जब रात है तो हम आराम करते हैं और दिन है तो हम काम करते हैं। तो बायोलॉजिकल रिदम का क्या होता है कि अप्रॉक्सीमेटली जो रात का समय है वो 10 बजे से लेकर 5 बजे तक या 11 बजे से लेकर 6 बजे तक, ऐसा है जो 7 घंटे 8 घंटे का जो पीरियड हो सकता है, ये रात का जो समय है वो समय हम आराम करते हैं। तो सर्कैडियन रिदम वो हिसाब से तालमेल जमाएगा, क्योंकि वहाँ बाहर अंधेरा है, बाहर एक्टिविटी कम है, आराम है सब, तब अपना सर्कैडियन रिदम भी आराम करेगा, ब्रेन भी आराम करेगा, उसको रिजुवेनेट होने को टाइम मिलेगा, रिजुवेनेट होने को ताकत एनर्जी मिलाने को फिर से उसको टाइम मिलेगा, रिकवर होने को टाइम मिलेगा, और जब दिन निकलता है तब वो फिर से काम में आएगा। आप यदि आपके बॉडी का आपके ब्रेन का तालमेल दिन और रात के तालमेल से जोड़ लेते हैं तो आपको बीमारियां नहीं होंगी। तो आपको एक हैबिट बनाने का है कि आपको 7 या 8 घंटे की नींद और रात को नींद लेते हैं तो आपके सर्कैडियन रिदम बराबर चलेंगे, सर्कैडियन रिदम बराबर चल रहे हैं तो बाकी 100 रिदम बराबर चलेंगे तो आपको बीमारी होने के चांसेस बहुत कम है, बहुत ही कम बीमारियां होंगी। इसलिए जो लोग रात को काम करते हैं या जो शिफ्ट ड्यूटी में काम करते हैं उनको बीमारियां ज़्यादा होती हैं, उनको एसिडिटी होंगी, उनको काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स रहेंगे, क्योंकि उनका जो तालमेल है ब्रेन का वो कंटिन्यूसली बदलते रहता है, कभी ड्यूटी उनकी रात की रहती है, कभी दिन की रहती है, तो उसमें वो तालमेल ही जमता नहीं है। या जिनको रात की ड्यूटी सिर्फ है उनका भी मतलब तालमेल जमता नहीं है, बायोलॉजिकल रिदम एक अलग है और आपका रिदम अलग चल रहा है तो उनको बीमारियां ज़्यादा होती है। तो आपको एक हैबिट बनाने का है कि बायोलॉजिकल रिदम मतलब दिन है तो काम करते हैं, रात है तो आराम करते हैं, वो जो बायोलॉजी है बाहर की वातावरण की उसके साथ साथ अपना ब्रेन ट्यूनअप कर लेना, और एक हैबिट ये आप करते हैं तो आपको बीमारियां कम से कम होंगी। थैंक यू वेरी मच। गूगल स्टोर से आप डॉक्टर केयकर ये नाम का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और ये ऐप में आप फ्री चैटिंग कर सकते हैं, अलग अलग ऑनलाइन कोर्सेस है वो डाउनलोड कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा अपने खुद के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू।